नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। आज 2021-22 सत्र के अंतिम लम्हों में शासकीय माध्यमिक शाला नक्सी के सभा कक्ष में विद्यालय में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को कनिष्ठ, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के द्वारा अपने अग्रजों को का स्वागत किया गया व उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर संस्था के प्रधान पाठक श्री विजय अमृतकर ने विद्यार्थियों को अपने उद्घोषण में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया व लगातार जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभाशीष दिया। उन्होंने अपने छात्र जीवन की यादों को ताज़ा करते हुए विद्यार्थियों का वर्तमान व पुरानी सुविधा के बारे में अंतर बताकर पथ प्रदर्शक बनने की प्रेरणा दी व सही मार्ग को अपनाकर अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने की सलाह दी। एक शाला एक परिसर के प्राथमिक प्रधान पाठक श्री ठाकरे सर ने अपने उद्घोषण में विद्यार्थियों को अपने पुराने शिष्यों के उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों की सफलता प्राप्त करने का मंत्र दिया। शाला में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महेश राजुरकर ने सभी छात्र छात्राओं को अध्ययन व अपने गुरु श्री अमृतकर सर से प्राप्त शिक्षा व संस्कार को किस प्रकार से जीवन में उतारकर सीखने की ललक को विद्यार्थियों से कहा। शाला प्रबंधन समिति के सदस्य श्री सुरेश वराड़े जी ने उद्घोषण में कहा कि विद्यार्थी इस विदाई के अवसर पर परीक्षा देकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गुरुजनों को हमेशा याद करिएगा, जिससे जीवन में नई ऊंचाइयों को आसानी से छू सके। इस विदाई अवसर पर विद्यालय में एक साल से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। प्रतिभा पर्व में कक्षा 6वीं में प्रथम स्थान में रहने वाली अर्चना और मयंक श्रीवास व उनके माता पिता, कक्षा 7वीं में प्रथम स्थान पर रही अर्चना व कनक मात्रे व उनके माता पिता को प्रशस्ति पत्र, कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान पर रही प्रेरणा द्वितीय स्थान पर क्रमशः दिशा वराड़े, खुशबू चौधरी व माता पिता को सम्मानित किया गया। विद्यालय में इस सत्र में निरंतर सर्वाधिक उपस्थिति में तनुजा, दिशा व गरिमा की उपस्थिति रही, जिन्हें शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार मुकेश को दिया गया। इसके उपरांत स्वरुचि भोज व स्वल्पाहार प्रदान कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के शिक्षक श्री बी के बिसेन सर ने किया। इस विदाई समारोह के अवसर पर संस्था के शिक्षक श्री केदार बिसेन, कृष्ण कुमार पारदी, राहुल नेवारे, चुन्नीलाल डोमने, शिक्षिका स्वाति चौधरी, दीप्ति मोहबे, पुष्पलता बंसोड़ व समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट।